हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए, इस डिज़ाइन से जैसे लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ शॉल, लेडीज़ स्वेटर, लेडीज़ कोटी किसी भी प्रोजेक्ट पर डालिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए, ये शॉल वगैरह का भी डिज़ाइन है, शॉल पर भी सुंदर लगेगा। तो इस डिज़ाइन से आप कुछ भी बना सकते हैं। आज मैं इसी डिज़ाइन को आप सबके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए कि कैसे बना हुआ है। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को बताना। देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 17 फंदा का डिज़ाइन है। फिर यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ये फिर 17 फंदा यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 17 फंदा है। 17 17 फंदा का ये डिज़ाइन है। तो ये देखिए, एक एक फंदा दोनों साइड एक्स्ट्रा है इसमें, और बीच में ये 17 फंदा 17 फंदा 17 फंदा करके ये डिज़ाइन बना हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो आइए शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को बताना। देखिए, ये 19 फंदा है, यहाँ से यहाँ तक ये 19 फंदा है, क्योंकि ये डिजाइन 17 फंदा में है। तो एक एक फंदा हम एक्स्ट्रा लिए हैं दोनों साइड। अब यहाँ से देखिए, ये डिजाइन को एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर देखिए एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, 5 फंदा सीधा। अब हम यहाँ पर 2 को 1 करेंगे, इस तरह 2 को 1 करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धागे अपने तरफ, इस फंदा में हम जाली देंगे, फिर धागे अपने तरफ, इस फंदा में हम जाली देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर फिर हम 2 को 1 करेंगे ये। अब इधर से जब हम 2 को 1 करेंगे तो हम इसको इस तरह लेंगे, एक फंदा उतार के इसी सिलाई पर ले लेंगे, और पीछे के साइड से हम इस तरह 2 को 1 करेंगे। फिर देखिए, एक दो तीन चार पाँच, 5 फंदा सीधा। ये एक फंदा एक्स्ट्रा है, इसको भी हम सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। उल्टे तरफ से देखिए, उल्टे तरफ से हमेशा हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, बस उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। ये कंप्लीट हो गया उल्टे साइड से, उल्टा उल्टा बुन के। अब सीधे की तरफ से देखिए, सीधे की तरफ से हम यहाँ पर, अब देखिए एक दो तीन चार, ये 4 फंदा सीधा। अब यहाँ पर फिर हम 2 को 1 करेंगे, ये तीसरा सिलाई है। तीसरा सिलाई में हम देखिए, एक दो तीन चार, 4 फंदा हम सीधा लेंगे, और यहाँ पर 2 को 1 करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागे अपने तरफ। अब यहाँ बीच में हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे, ये देखिए एक दो तीन, 3 फंदा सीधा। आगे देखिए, धागे अपने तरफ, सॉरी धागे पीछे रखेंगे और 2 को 1 करेंगे। इसके लिए हम सिलाई को पीछे से डालेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर देखिए एक दो तीन, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया ये, ये देखिए यहाँ पर
जैसे ही हम बीच में तीन फंदा सीधा सीधा ले लिए, एक दो तीन, तीन ये सीधा हो गया, और एक फंदा हम यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, धागे अपने तरफ और यहाँ पर जाली देंगे इस तरह। जाली देने के बाद हम फिर इस फंदा को इसी सिलाई पर ले लेंगे और दो को एक करेंगे, यहाँ पर इस तरह दो को एक करेंगे। और अब देखिए एक दो तीन चार, ये किनारे का है, इसको लेकर पांच, उल्टे तरफ से पूरा रो उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। अब देखिए उल्टे तरफ से ये कंप्लीट हो गया उल्टा बुन के। अब सीधे की तरफ से देखिए, सीधे की तरफ से ये इस तरह बना हुआ है। आगे देखिए एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। अब हम यहां पर दो को एक करेंगे, ये पांचवा सिलाई है, तो इधर से देखिए अब यहां पर हम दो को एक करेंगे और फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागे अपने तरफ। अब यहां पर देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा सीधा। अब फिर देखिए एक फंदा हम इसमें जाली देंगे, ये देखिए एक जाली हो गया, और यहां पर हम दो को एक करेंगे। अब यहां पर देखिए एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, ये किनारे का है तो इसको भी सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब उल्टे तरफ से पूरा रो हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए उल्टे तरफ से ये कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से देखिए, ये सातवां सिलाई है सीधे की तरफ से, ये देखिए एक दो, दो फंदा सीधा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दो को एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम यहां पर ये दो को एक करेंगे, ये जाली देते हुए यहां पर हम दो को एक करेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे ऐसे। और फिर देखिए धागे अपने तरफ, एक फंदा हम फंदा देते हुए यहाँ पर हम जाली देंगे और इसको सीधा बुनेंगे, फिर धागे अपने तरफ। अब इस फंदा में हम फिर जाली देंगे और फिर यहाँ पर हम दो को एक करेंगे, तो इसके लिए हम इस फंदा को लेकर इसी सिलाई पर ले लेंगे सीधा करके, और ये यहाँ पर फिर हम दो को एक करेंगे और फिर धागे अपने तरफ। अब इस फंदा में हम फिर एक जाली देंगे और फिर यहाँ पर देखिए दो को एक करेंगे। अब यहाँ पर हम दो फंदा सीधा सीधा बुनेंगे। अब उल्टे साइड से पूरा रो हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए उल्टे तरफ से ये उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से देखिए इस तरह, ये अब यहां पर देखिए एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और यहां पर हम दो को एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर देखिए धागे अपने तरफ। अब इस फंदा में हम जाली देंगे इस तरह, अब हम दो को एक करेंगे, ये देखिए इस तरह जाली देते हुए, और फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे ये, और धागे अपने तरफ, ये देखिए। अब यहाँ पर एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, यहाँ पर एक और जाली हो गया और तीन फंदा सीधा। अब यहाँ पर देखिए धागे अपने तरफ, फिर हम एक जाली देंगे यहाँ पर, और फिर अब यहाँ पर हम दो को एक करेंगे, ये दो को एक कर दिए, फिर धागे अपने तरफ। अब इस फंदा में हम जाली देंगे, फिर देखिए यहाँ पर, अब फिर हम दो को एक करेंगे, फिर अब एक फंदा सीधा, ये किनारे का है तो इसको भी सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। उल्टे तरफ से ये देखिए पूरा रो उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तरफ से उल्टा बुनकर कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से देखिए, सीधे की तरफ से हम इसको इस तरह बनाएंगे, यहाँ पर दो को एक करेंगे और फिर एक फंदा सीधा,
धागे अपने तरफ। अब इस फंदा में हम जाली देंगे, यहाँ पर दो को एक करते हुए जाली देंगे इस तरह से, और फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा सीधा, ये देखिए ये एक फंदा सीधा जाली देंगे यहाँ पर, और एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पर हम तीन को एक करेंगे, धागे अपने तरफ, और देखिए तीन को एक करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फंदा स्लिप कर लेंगे और दो फंदा को लेकर हम इसके ऊपर से इस तरह जाली देते हुए इस तरह बुनेंगे, और फिर इस फंदा को लेकर इसके ऊपर से इस तरह उतार लेंगे, और फिर यहाँ पर धागे अपने तरफ, एक फंदा सीधा बुनेंगे जाली देते हुए, फिर देखिए धागे अपने तरफ, अब यहाँ पर फिर एक जाली देंगे, ये देखिए। अब ये देखिए दो को एक करेंगे यहाँ पर, फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा सीधा, फिर यहाँ पर हम दो को एक करेंगे, इस तरह एक फंदा, फिर ये किनारे का है तो इसको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर दो को एक कर दिए, एक फंदा सीधा, एक जाली, ये एक फंदा यहाँ पर जाली दिए, और फिर दो को एक किए यहाँ पर, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, फिर यहाँ पर हम तीन को एक किए, तीन फंदा को लेकर एक किए, और फिर यहाँ पर जाली आ गया, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर यहाँ पर हम दो को एक किए, फिर एक जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो को एक किए, फिर ये किनारे का है तो इसको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लिए। अब उल्टे साइड से पूरा रो उल्टा ही बुन के कंप्लीट करना है। ये देखिए उल्टे साइड से उल्टा बुन के कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से देखिए, सीधे की तरफ से हम इस तरह बनाएंगे यहाँ पर, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदा सीधा। अब यहाँ पर देखिए हम दो को एक करेंगे यहाँ से, धागे अपने तरफ, यहाँ पर हम जाली देते हुए दो को एक करेंगे इस तरह, और फिर देखिए एक दो तीन, ये तीन फंदा सीधा, फिर हम दो को एक करेंगे यहाँ पर, फिर एक जाली देंगे यहाँ पर, और यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदा सीधा, फिर अब एक ये लास्ट का है तो इसको सीधा सीधा बुन कर कंप्लीट करेंगे। अब आगे देखिए उल्टे तरफ से हम सारा रो उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए उल्टे तरफ से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से देखिए, सीधे की तरफ से अब यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदा सीधा, धागे अपने तरफ। अब यहाँ पर फिर हम दो को एक करेंगे ये जाली देते हुए इस तरह। अब फिर बीच में हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर अब यहाँ पर हम दो को एक करेंगे, और फिर धागे अपने तरफ, एक जाली देंगे यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदा सीधा, ये किनारे का है तो इसको भी सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब उल्टे तरफ से पूरा रो उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये उल्टे तरफ से पूरा रो उल्टा बुन के कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से देखिए, सीधे की तरफ से यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदा सीधा। अब यहाँ पर देखिए अब हम तीन को एक करेंगे, धागे अपने तरफ, एक फंदा हम स्लिप करेंगे और दो फंदा को इधर से, ये देखिए ये जाली देते हुए हम बुनेंगे, फिर इस फंदा को लेकर हम इसी के ऊपर से इस तरह ले लेंगे ऐसे।
और फिर धागे अपने तरफ, यहाँ पर एक जाली और देंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदा सीधा, ये देखिए। अब उल्टे तरफ से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए उल्टे तरफ से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट हो गया। अब ये डिजाइन भी कंप्लीट हो गया, देखिए इस तरह बनेगा, कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि दो सिलाई हम सीधा उल्टा बुनेंगे। अब इसके बाद हम एक सिलाई पूरा ये रो सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे, इस तरह पूरा रो सीधा बुनेंगे। ये देखिए ये पूरा रो कंप्लीट हो गया सीधा सीधा बुन के। अब उल्टे तरफ से हम पूरा रो उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हम पूरा बुनेंगे। ये देखिए अब पूरा ये कंप्लीट हो गया डिजाइन। अब इसके बाद से हम इसी तरह यहाँ से शुरू करेंगे निकालना। ये देखिए ऊपर आके भी उतना ही फंदा मिलेगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, पूरा कंप्लीट है। तो अब देखिए इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर दो सिलाई सीधा उल्टा बुनने के बाद इसको फिर शुरू करेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये बन के इस तरह आएगा, कितना प्यारा डिजाइन है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको जरूर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिर मिलती हूँ मैं कुछ नए डिजाइन लेकर आप सबके साथ।